जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 13 सितंबर 2023 बुधवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रहों की दृष्टि व भगवान गणेश जी की कृपा से आज 12 में से 5 राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इन 5 राशि वालों में आज है मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, बुधवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत मघा नक्षत्र से होगी और सिंह राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातः काल 6:04 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 6:29 पर होगा। आज राहु काल दोपहर 12:16 से आरंभ होकर के दोपहर 1:50 तक राहु काल रहेगा। तो आज राहु काल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशा शूल रहेगा उत्तर दिशा में। तो आज के दिन आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। उत्तर दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करें या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का जाप करें तो यात्रा आप कर सकते हैं। और आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो आप जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज के दिन जो है आप अपने करियर को बनाने के लिए किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़े, वरना आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आज सोच समझ करके कोई निर्णय लें बेहतर होगा। आज किसी भी विवाद में पड़ने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अपने भविष्य की चिंता में आप अपने वर्तमान को ना खोएं, अन्यथा आप पीछे रह सकते हैं। आप अपने दिल पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं लें, तनाव नहीं लें। जल्दी से पचाने वाला भोजन भी करें तथा हल्का भोजन करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मेडिटेशन और योगा आदि करें, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 72% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। नौकरी करने वालों की अपने सहकर्मियों से किसी भी प्रकार की अनबन हो सकती है, इसलिए छोटी सी अनबन को अधिक बढ़ने नहीं दें, अन्यथा छोटा सा विवाद कोई बड़ा झगड़े का रूप ले सकता है, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार करने वालों को कानून से संबंधित किसी समस्या का से परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने सरकारी दस्तावेजों को और अपने बैंक को बिल्कुल क्लियर अवश्य रखें। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका बेबी पिंक रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपको अपने ऑफिस में किसी भी प्रकार का वर्कलोड नहीं होगा, जिससे आपका मन शांत रहेगा। आप अपने रुके हुए पुराने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आज आपको अपना पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके मन को बहुत प्रसन्नता होगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका पेस्टल ग्रीन रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 78% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करें, हरि दुर्वा अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा।
आज आपके मन में नेगेटिव विचार हो सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए सकारात्मक विचारधारा रखें और आपका किसी भी कार्य को करने में आज मन भी कम लगेगा। मन को एकाग्र रखें, आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य बाधित भी हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर बिल्कुल नहीं दें। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन भी आज हो सकती है, इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए संतुलित तरल पदार्थ का सेवन करें, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 71% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में हरे मूंग अर्पित करें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आप अपने कार्यालय में या कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारियों को प्रसन्न अवश्य रखें, उनसे जितना भी ज्ञान मिल सकता है उसे आप अवश्य लें। व्यापार करने वालों के लिए दिन अच्छा है, कोई नई डील फाइनल हो सकती है, पर कुछ विरोधी आपके लिए अड़चन डालेंगे जिससे आप अत्यधिक परेशान भी हो सकते हैं और आपको मानसिक तनाव हो सकता है। अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं आने दें और आप अपने काम पर फोकस रखें, सफलता मिलेगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका मेहरून रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 81% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को मोदक का नैवेद्य अर्पित करें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आप अपने मूड को चेंज करने के लिए अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, जिससे आपका मन ठीक रहेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। आज आपके घर में कुछ नया काम हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए आज का समय कुछ अनुकूल कम है, किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य के लिए आज ठीक नहीं है। आज जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका डार्क ग्रीन रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 76% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा लाल पुष्प अर्पित करें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी खबर रहेगी। आज आपको आपके ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा, आप फ्री माइंड होकर के काम कर पाएंगे और अपने कार्य की नई योजनाओं को तैयार कर पाएंगे। आज किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि हो सकती है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करना चाहिए। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका डार्क पिंक रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करें, पंचमेवा का नैवेद्य अर्पित करें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज किसी भी बात को विनम्रता के साथ हल करने की कोशिश करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, आपको लाभ आज मिलेगा, उसी से आपकी चिंताएं दूर होगी। यदि आप किसी प्रकार की उच्च शिक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें, इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका गेरुआ रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ावें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज व्यापार करने वालों को दिन सावधानीपूर्वक बीतने वाला रहेगा। आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का निर्णय आज सोच समझ करके लें, चाहे पार्टनरशिप की बात हो या किसी डील की कोई बात हो। विद्यार्थी वर्ग अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई आदि करें, अपने जीवन साथी के साथ में विनम्रता का व्यवहार रखेंगे तो उनका भरपूर सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से भी मन संतुष्ट रहेगा। आप अपने घर में विनम्रता का भाव रखें, अन्यथा आपकी किसी से अनबन हो सकती है। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका सुनहरा रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी के मंदिर में हरे मूंग अर्पित करें, हरी दुर्वा चढ़ावें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा,
कि आप यदि आप सरकारी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के दौर में, तो आपको बहुत अधिक मेहनत करना चाहिए। आज आपकी सेहत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का तला भुना भोजन आज नहीं करें, संतुलित आहार का सेवन करें, अन्यथा आपको शारीरिक स्वास्थ्य की कोई समस्या हो सकती है। कोई घर मकान इत्यादि खरीदने की योजना आप बना सकते हैं। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज नौकरी आदि में परेशानियां आपको हो सकती है। अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने दें। सभी चीजों को सकारात्मक पहलू से सोच करके आगे बढ़ें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज यदि आप फाइनेंस कोई व्यापार करते हैं, तो आप किसी भी फाइनेंसिंग करने से पहले अच्छी तरह से दस्तावेजों को परख लेवें। लापरवाही आज आपके लिए भारी पड़ सकती है। आज आपका भाग्यशाली अंक 4 है। शुभ रंग आपका जामुनी रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 71% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें, हरी दुर्वा चढ़ावे। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपको आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे आप। अपनी संतान की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो फेलियर देखना पड़ सकता है। आपका किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो विवाह का रूप ले सकता है। परिवार का भरपूर सहयोग समर्थन मिलेगा। जीवन साथी का साथ भी आज बना रहेगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी को मोदक और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।